मोदी के मंत्री पर लालू की लाडली का विवादित बयान। रामकृपाल यादव का हाथ क्यों काटना चाहती थी मीसा भारती। राजनीति में भाषा दिनों दिन गिरती जा रही है। नेताओं को बोलते वक्त इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। ऐसे नेताओं की फेहरिस्त में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती भी शामिल हो गई है। दरअसल लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने आरजेडी के बागी नेता और मौजूदा केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को लेकर विवादित बयान दिया है। 16 जनवरी को पटना में एक सभा को संबोधित करते हुए मीसा ने कहा कि वो चारा काटते थे, लेकिन उनके परिवार ने रामकृपाल को कुट्टी काटने वाले से नेता बना दिया। उनके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान था। हालांकि ये सम्मान तब खत्म हो गया जब उन्होंने सुशील मोदी से हाथ मिला लिए। उस समय मेरा मन किया था कि उसी चारा काटने वाली मशीन में उनके हाथ डालकर काट दूं। मोदी के मंत्री रामकृपाल को लेकर मीसा भारती का ये विवादित बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। उधर मीसा भारती के इस बयान से तिलमिलाई बीजेपी ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने तेजस्वी से कहा है कि भैया दीदी आपकी लुटिया डुबोने में लगे हैं। तेज प्रताप यादव मनेर विधायक भाई वीरेंद्र की औकात पूछ रहे हैं, तो मीसा भारती पाटलिपुत्र सांसद और केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी का कर्नासे से हाथ काटने की बात कर रही है। आपको बता दें कि रामकृपाल यादव पहले आरजेडी में थे और लालू के करीबी नेताओं में शुमार किए जाते थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पाला बदल लिया और आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2014 चुनाव में वो पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती को ही हराकर संसद पहुंचे थे। अब जब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव करीब आने लगा है, तो मीसा भारती एक बार फिर से इस सीट से चुनाव लड़ने के मूड में हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।